कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 10 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पत्र लिखा है। मंगलवार को लिखे तीसरे पत्र में उन्होंने कोरोना से निपटने के लिए सरकार को 5 सुझाव दिए हैं। मोदी ने सोमवार को ही सोनिया गांधी समेत विपक्ष के कई नेताओं से फोन पर बात की थी। फोन पर हुई इस बातचीत में उन्होंने नेताओं से सुझाव भी मांगे थे। इसी क्रम में सोनिया गांधी ने ये पत्र लिखा है। सोनिया ने अपने पत्र में सरकार से विज्ञापन पर खर्च सीमित करने, सेंट्रल दिल्ली में नई संसद और दूसरे भवनों के निर्माण की योजना को टालने, सरकार के खर्चों में 30% कटौती करने जैसे टिप्स दिए हैं। इस सब की जानकारी कांग्रेस के बुलारे रणदीप सुरजेवाला ने दी। आज कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा है और उन्होंने 5 बड़े रचनात्मक सुझाव प्रधानमंत्री जी को दिए हैं। अब मैं बगैर किसी विलंब के तो कई बड़े कॉन्क्रीट सुझाव बहुत सारी फ्रंट पर कोविड-19 से लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने दिए हैं और प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है पर कार्रवाई करें फौरी तौर से। सोनिया गांधी ने मोदी सरकार द्वारा विज्ञापन पर हो रहे खर्च पर सवाल उठाते हुए लिखा कि सरकार एवं सरकारी उपक्रमों द्वारा मीडिया विज्ञापनों, टेलीविजन, प्रिंट एवं ऑनलाइन विज्ञापनों पर 2 साल के लिए रोक लगाई। ये पैसा कोरोना वायरस से उत्पन्न हुए संकट से जूझने में लगाया जाए। कोविड-19 बारे एडवाइजरी या स्वास्थ्य से संबंधित विज्ञापन को छोड़कर कोई विज्ञापन ना जारी किया जाए। केंद्र सरकार मीडिया विज्ञापनों पर हर साल लगभग 1250 करोड़ रुपए खर्च करती है। इसके अलावा सरकारी उपक्रमों एवं सरकारी कंपनियों द्वारा विज्ञापनों पर खर्च की जाने वाली सालाना राशि इससे भी अधिक है। सरकार के इस प्रयास से कोरोना वायरस द्वारा हुए अर्थव्यवस्था व समाज को होने वाले नुकसान की भरपाई में एक बड़ी राशि जुटाने में मदद मिलेगी। नेशनल हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक एक RTI के जवाब से पता चला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अब तक विभिन्न मीडिया के माध्यम से विज्ञापन और प्रचार में लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। मोदी सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से विज्ञापनों पर सबसे अधिक पैसा खर्च किया है, लगभग 2200 करोड़। मोदी सरकार ने अगस्त 2018 तक प्रिंट मीडिया के माध्यम से विज्ञापन और प्रचार पर 2136 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। सोनिया गांधी ने अपने पत्र में सरकार द्वारा 20,000 करोड़ की लागत से तैयार हो रहे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा, 20,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे सेंट्रल विस्टा अन्य सौंदर्यीकरण और निर्माण कार्यों को स्थगित किया जाए। सोनिया ने लिखा है कि मुझे विश्वास है कि संसद मौजूदा भवन में ही अपना संपूर्ण कार्य कर सकती है। नई संसद व उसके नए कार्यालयों के निर्माण की आज कोई आपातकालीन स्थिति में जरूरत नहीं है। ऐसे संकट के समय में इस खर्च को टाला जा सकता है। इस पर वरिष्ठ पत्रकार रवीश ने अपने प्राइम टाइम में प्रतिक्रिया व्यक्त की। 20 मार्च को शहरी विकास मंत्रालय एक नोटिफिकेशन जारी करता है कि 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की अब औपचारिक शुरुआत होती है। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू प्रधानमंत्री करते हैं और 24 मार्च को वो तालाबंदी का ऐलान करते हैं। तो ये हालत है तब, अगर हम इन दिनों फरवरी में, मार्च में अस्पतालों को मजबूत करने की तैयारियों पर, टेस्ट की तैयारियों पर ध्यान दिए होते तो आज नौबत ये ना आती कि विशाखापट्टनम के एक डॉक्टर को आकर ये कहना पड़े कि उसे एक मास्क दिया गया है और कहा गया है कि वो 15 दिन ये काम, इससे काम चलाए। हम डॉक्टर की जिंदगी को खतरे में डालकर अपनी जिंदगी नहीं बचा सकते। इसके अलावा सोनिया गांधी ने अन्य सुझाव देते लिखा कि भारत सरकार को खर्चे के बजट, वेतन, पेंशन एवं सेंट्रल सेक्टर की योजनाओं को छोड़कर इसी अनुपात में 30% की कटौती की जानी चाहिए। यह 30% राशि लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए प्रति वर्ष प्रवासी मजदूरों, श्रमिकों, किसानों, MSME एवं असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों को सुरक्षा चक्र प्रदान करने के लिए आवंटित की जाए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्री, राज्य के मंत्रियों तथा नौकरशाहों द्वारा की जाने वाली सभी विदेश यात्राओं को भी स्थगित कर देना चाहिए। इसके अलावा PM केयर्स फंड की पूरी राशि को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत फंड में स्थानांतरित कर दिया जाए। इससे इस राशि को आवंटन एवं खर्चे में एफिशिएंसी, पारदर्शिता तथा ऑडिट सुनिश्चित हो पाएगा। PMNRF में लगभग 3800 करोड़ रुपए की राशि वित्त वर्ष 2019 के अंत तक बिना उपयोग के पड़ी है। ये फंड तथा PM केयर्स की राशि को मिलाकर उपयोग में लाकर समाज में हाशिए पर रहने वाले लोगों को तत्काल सुरक्षा चक्र प्रदान किया जाए।
सोनिया गांधी के इस पत्र पर मीडिया में भी कई प्रतिक्रियाएं आईं। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक न्यूज ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन ने सोनिया गांधी के विज्ञापन पर रोक के सुझाव पर सवाल खड़े किए हैं। एनबीए का कहना है कि भारत लॉकडाउन के चलते व्यापार पर काफी प्रभाव पड़ा है और वायरस के चलते न्यूज चैनल्स रिपोर्टर्स की सुरक्षा को लेकर काफी खर्चा उठा रहे हैं। इसी के चलते अगर सरकार ने विज्ञापन देने बंद कर दिए तो मीडिया के पास पत्रकारों को देने के लिए पैसे बिल्कुल नहीं बचेंगे। एनबीए के इस बयान को इस नजर से भी देखना चाहिए कि जब देश पर ऐसी कठिन विपदा पड़ी हुई है उस समय कुछ प्राइवेट चैनलों की करोड़ों की आय में अगर कुछ कमी आती है तो इससे फील्ड में काम कर रहे पत्रकारों पर बुरा असर कैसे पड़ सकता है। चैनलों को सरकार की तरफ से कोविड-19 की जानकारी लोगों तक पहुंचाने वाले इश्तेहार तो जारी रहेंगे ही, तो फिर सोनिया गांधी के सुझाव पर गोदी मीडिया इतना क्यों तड़प रहा है? सोनिया गांधी ने ये चिट्ठी प्रधानमंत्री को तो लिखी है, लेकिन ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के ही कई राज्यों में खुद सरकार है, क्या सोनिया गांधी उनसे भी यही अनुरोध करेंगी कि वो विज्ञापनों पर पैसे ना खर्च करें? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। Please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.